हेलो गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स और एरोमेटिक न्यूक्लियस, दैट इज़ द फिनाइल प्रोपेन्स। फिनाइल प्रोपेन्स, दैट एरोमेटिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड फिनाइल प्रोपेन्स। पिछले वीडियोस में हमने बायोसिंथेसिस और बायोजेनेसिस के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से बायोसिंथेसिस और बायोजेनेसिस के थ्रू नेचुरल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम स्पेशली एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस, कि एरोमेटिक न्यूक्लियस की खोज कैसे की गई, किस तरह से एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है वो लाइट में आया इन नेचुरल प्रोडक्ट में, और साथ ही साथ बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पिन्स के बारे में, टर्पिन्स क्या होता है या फिर टर्पिनाइड्स किसे कहते हैं और ये कैसे सिंथेसाइज्ड होता है, जो मोनोटर्पिन्स हमारे बॉडी में या फिर इन एनिमल आर प्लांट्स इन बोथ, या फिर डाई टर्पिनाइड्स या सेस्क्यू टर्पिनाइड्स, हाउ दिस इज सिंथेसाइज्ड इन एनिमल एंड प्लांट्स। सो नाउ कम ऑन दी ओरिजिन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस। मेजॉरिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन न्यूक्लियस, यू ऑलरेडी नो। एरोमेटिक रिंग इज ऑरिजिनेटेड बाई ओनली टू रूट्स। बेंजीन न्यूक्लियस का जो ओरिजिनेशन है वो दो रूट्स के थ्रू होता है। वन ऑफ दीज इज फंडामेंटल टू एसिटोजेनिन बायोसिंथेसिस एंड दी अदर इज द सेंट्रल मोड इन प्राइमरी मेटाबोलाइट। द सेकेंड रूट इज डेलिनेटेड बाई डेविस एंड स्प्रिंसन एंड ऑफन कॉल्ड द सिकमिक एसिड पाथवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है जिसे कहा जाता है सिकमिक एसिड पाथवे। हियर यू सी दैट दिस इज सिकमिक एसिड पाथवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है। दिस सिकमिक एसिड पाथवे इन्वॉल्व्स एन इनिशियल एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ फास्फोइनॉल पाइरुवेट विथ टेट्रोज टू यील्ड ए 7-कार्बन सुगर। दिस अंडरगोज एन एल्डोल साइक्लाइजेशन टू हाइड्रोक्विनिक एसिड विच इज ट्रांसफॉर्म फर्स्ट इंटू डिहाइड्रोसिकमिक एसिड्स, सिकमिक एसिड्स एंड देन इंटू प्रीफेनिक एसिड बाई फर्दर एडिशन ऑफ पाइरुवेटिनॉल। देन देर इज एरोमेटाइजेशन ऑफ प्रीफेनिक एसिड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल पाइरुविक एसिड। फिनाइल पाइरुविक एसिड ऑन रिडक्टिव एनिमेशन गिव्स फिनाइल एलिनिन, फिनाइल एलिनिन ऑन डीएमिनेशन गिव्स सिनेमिक एसिड्स एंड प्रीफेनिक एसिड आल्सो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन एंड पैराहाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड बाई ऑक्सीडेशन, रिडक्टिव एनिमेशन एंड डीएमिनेशन रिएक्शंस। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस और बेंजीन रिंग इन नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो सिकमिक एसिड पाथवे होता है, इस सिकमिक एसिड पाथवे ये टोटली एल्डोल कंडेंसेशन पर डिपेंड रहता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में स्पेशली होता क्या है कि कंडेंसेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है जिसको हम टेट्रोस फोर फॉस्फेट भी कहते हैं, ये टेट्रोज से कंडेंसेशन करता है और 7-मेंबर कार्बन सुगर का फॉर्मेशन होता है। 7 मेंबर, तो अगर इसके रिएक्शंस को देखा जाए तो हम कुछ यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए टेट्रोजेस फोर फॉस्फेट, दिस इज़ वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ ट्रीटेड विद द फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट्स दैट इज़ टू। पहला है आपका टेट्रोज, दूसरा है आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के पास फॉस्फोरस ग्रुप लगा है, यहाँ से बॉन्ड डीलोकलाइज होता है कार्बन के पास, और ये पाई बॉन्ड हमारा कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, जो 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर।
यू कैन सी ही है, यहाँ देख सकते हैं ये पाई बांड यहाँ कार्बोनिल पर अटैक करता है, और कार्बोनिल पर अटैक करने के बाद ये जो पाइरुवेट ग्रुप है हमारा एक तरह से ये टोटली बाइंड अप हो जाता है टेट्रोथ से, और सेवन कार्बन सुगर सेवन मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, 1 2 3 4 5 6, हियर यू सी दैट, वन हियर यू सी दैट दिस इज वन 2 3 4 5 6 एंड 7, सेवन मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड 3-डीऑक्सी-डी-एराविनो हेप्टुलो सोनिक एसिड 7-फॉस्फेट। फर्दर क्या होता है, देयर इज द साइक्लाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट, बट इनिशियली देयर इज द वन कैन से दैट द इंटरनल इंडोल कंडेंसेशन, इंट्रा मॉलिकुलर इंडोल कंडेंसेशन, देन देयर इज बाई विच देयर इज द साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस। तो थ्री प्रोडक्ट्स दिस, हियर यू सी दैट द नंबर थ्री प्रोडक्ट्स इज अगेन कन्वर्टेड थ्रू एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ से इन ग्रुप जो है आप देख सकते हैं कार्बोनिल का हाइड्रोजन यहाँ से बेस के थ्रू रिलीज हो जाता है, और डबल बॉन्ड यहाँ या इन ग्रुप जो है कार्बोनिल पर अटैक करता है, और कार्बन यहाँ ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज इनॉल फॉर्मेशन करता है और CH2C से बाइंड अप हो जाता है, और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन होता है 4-हाइड्रोक्विनिक एसिड, देर इज फॉर्मेशन ऑफ 4-हाइड्रोक्विनिक एसिड, हियर यू सी दैट इन केस 4, एंड दिस 4-हाइड्रोक्विनिक एसिड इज अंडर प्रोसेस दैट यू कैन से डिहाइड्रेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो विसनल पोजिशन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों जुड़ा है, दोनों के बीच में डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, और एक साथ H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर के यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसको कहते हैं डिहाइड्रोसिकमिक एसिड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिहाइड्रोसिकमिक एसिड। दिस इज जस्ट लुकिंग लाइक हेक्सीन रिंग्स, बट फाइनली व्हाट हैपेंड, दिस डिहाइड्रोसिकमिक एसिड अंडरगोज रिडक्शन, वेयर इज रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप, हियर यू सी दैट दिस कार्बोनिल ग्रुप, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और फॉर्मेशन करता है, ये डिहाइड्रोसिकमिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सिकमिक एसिड में। सिकमिक एसिड में 3-हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और साइक्लोहेक्सीन रिंग में ये तीनों अटैच्ड होते हैं। सो व्हाट हैपेंस द फर्दर ऑन, नाउ द हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड इमीडिएटली टू फॉर्म सिकमिक एसिड वंस एलिमिनेटेड थ्रू फास्फोरिक ग्रुप फ्रॉम दी फ्रॉम यू कैन से दैट फास्फोइनॉल पाइरुवेट, फास्फोइनॉल पाइरुवेट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से पी ये बॉन्ड यहाँ आया, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आके जुड़ता है, और ये पी यहाँ से यह आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आके जुड़ गया, और फाइनली क्या होता है कि जब ये पाइरुवेट यहाँ पर जुड़ता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर, ये डबल बॉन्ड फर्दर डिलोकलाइज होता है, देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और यहाँ से पुनः ऑक्सीजन जो है ओपी के साथ रिलीज हो जाता है, और इस तरह से नेक्स्ट डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एलिमिनेटेड। देन फर्दर ऑन देयर इज अगेन डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस एट द नेक्स्ट ऑक्सीजन, जो दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन डिलोकलाइज हुआ सिग्मा बॉन्ड, और ऑक्सीजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और नेक्स्ट डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं प्रिफिनिक एसिड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिफिनिक एसिड। फाइनली व्हाट हैपेंस अंडर डिहाइड्रेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन एंड आल्सो एरोमेटाइजेशन, हियर एरोमेटाइजेशन टेक्स प्लेस, कि यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होता है, और ये सिग्मा बॉन्ड ये बैलेंस करता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, और यहाँ से CO2, ये CO2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है बेंजीन,
यानी इस रिंग में, और ये फर्दर डिलोकलाइज होकर के और यहाँ से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट कर देता है। तो ये प्रिफेनिक एसिड जो है फिनाइल पायरुबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देर इज प्योरली फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिंग। यू कंसिडर दिस इज द फिनिल प्रोपेंस, दिस इज द फिनाइल प्रोपेंस, ये फिनाइल प्रोपेंस है एक तरह से। और इस तरह से प्रिपरेशन होता है एरोमेटिक न्यूक्लियस का नेचुरल प्रोडक्ट में। फाइनली नाउ दिस फिनाइल पायरुबिक एसिड वंस अगेन अंडर रिडक्टिव एमिनेशन, हियर यू सी दैट रिडक्टिव एमिनेशन दैट इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिनाइल एलानिन में पुनः जो है रीअरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन। यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉन्ड डिलोकलाइज हुआ और NH2 इन फॉर्म ऑफ NH3 यहाँ से डीएमिनेट हो जाता है NH3। NH3 का एलिमिनेशन ही डीएमिनेशन कहा जाता है। और यहाँ फॉर्मेशन होता है सिनेमिक एसिड का। हियर यू सी दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिनेमिक एसिड, दैट इज स्ट्रक्चर 9। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिनेमिक एसिड। व्हाट हैपेंस अगर यहाँ पर देखा जाए कि प्रिफेनिक एसिड जो स्ट्रक्चर 6 है इसको प्रिफेनिक एसिड कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए रिडक्शन की जगह। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में सिंपली क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का। तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन भी ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। और इस तरह से यहाँ CO2 यहाँ भी एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ भी एरोमेटाइजेशन होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं वंस अगेन देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दिस इज न्यू मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड आल्सो फिनाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। दिस इज फॉर्म हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड एंड दिस हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड हियर यू सी दैट रिडक्टिव एमिनेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप पर NH2 ग्रुप आके ऐड हो जाता है और टायरोसिन का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द वन टाइप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट टायरोसिन। टायरोसिन एक तरह का जो है अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट देर इज डीएमिनेशन टेक्स प्लेस एंड वंस अगेन फॉर्मेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड। इन द फर्स्ट केसेस इन द एबव देयर यू सी दैट अंडर रिडक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिनेमिक एसिड, बट इन दिस केस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड। दिस इज वन अनदर टाइप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। तो इस तरह से देखा जाए इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए, तो फॉर्मेशन होता है बेंजीन न्यूक्लियस का। तो आपने स्टार्टिंग में देखा, यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर यू सी दैट दिस इज द टेट्रोजेस 4 कार्बन एटम ट्रीटेड विद द दिस इज द फॉस्फोइनाल पाइरुवेट एंड देन देयर इज साइक्लाइजेशन। आफ्टर दैट डी कार्बोक्सिलेशन डी एमिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एरोमेटाइजेशन देयर इज फाइनली फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस। देन दिस इज द ओरिजिन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। यहीं से जो है एरोमेटिक रिंग्स की ओरिजिन स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स। व्हाट हैपन इन केस ऑफ टर्पीन्स। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टर्पीन्स एक्चुअल में होता क्या है, टर्पीन्स कहते किसे हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है या इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसमें कौन से रूल फॉलो होते हैं। तो इनिशियली ये देखा जाए तो टर्पीन्स जो होता है, ये टर्म जो है टर्पीन्स का, ये ओरिजिनेटेड होता है फ्रॉम टर्पेंटाइन से। TURPENTINE टर्पीन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्पेंटाइन। और ये टर्पेंटाइन सो कॉल्ड रेजिन ऑफ पाइन ट्रीज, ये टर्पेंटाइन जो होता है पाइन ट्रीज का
रेजिन होता है, इज द वेस्कस प्लेजेंटली स्मेलिंग बाल्सम विच फ्लोज अपॉन कटिंग आर कॉर्विंग द बार्क एंड द न्यू वुड ऑफ सेवरल पाइन ट्रीज स्पीसीज पाइनेसी. टर्पेंटाइन कंटेन्स द रेजिन एसिड्स एंड सम हाइड्रोकार्बन्स विच वेयर ऑरिजिनली रिफर टू एज टर्पिन्स. ट्रेडिशनली ऑल नेचुरल कंपाउंड्स बिल्ट अप फ्रॉम आइसोप्रीन सब यूनिट्स एंड फॉर द मोस्ट पार्ट originated from plants are denoted as terpenes. So we can say that there is the conifer wood, balm trees, citrus fruits, coriander, eucalyptus, lavender, lemon, grass, lilies, carnations, caraway, peppermint species, roses, rosemary, sage, thyme, violet and many other plants are parts of those. Roots, rhizome, stems, leaves, blossom, fruit, seeds are well known to smell pleasantly, to taste spicy, or to exhibit specific pharmacological activities. So the terpenes predominantly save these properties. In order to enrich terpenes, the plants are curved for the production of incense of myrrh from balm trees. Usually, however, terpenes are extracted or steam distilled. You can say that steam distilled for the recovery of the precious oil of the blossom of species fragrant roses. These extracts and steam distillates known as ethereal or essential oils, जिसे हम essence absolute कहते हैं, are used to create fine perfumes. To refine the flavor and the aroma of food and drinks and to produce medicines of plants origin, that is phytopharmaca. The biological and ecological function of you can say that eugochemical function of terpenes have not yet been fully investigated. Many plants produce volatile terpenes in order to attract specific insects for pollination or otherwise to expel certain animals using these plants as food. Less volatile but strongly bitter tasting or toxic terpenes also protect some plants from being eaten by animals. Antifidants, that is called. Last but not least, terpenes play an important role as signal compounds. You can say that this is the signal compounds and growth regulators, phytochromes. Our plants, as shown by the preliminary investigations, many insects metabolize terpenes they have received with their plant food to growth hormones and pheromones. Pheromones are luring and signal compounds, sociohormones, that insect and other organism excrete in order to communicate with other like them. यानी एक तरह का जो है हार्मोन क्रिएट करता है जिससे कुछ ऐसे हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट से कम्युनिकेट करने के लिए उसको छोड़ते हैं, जैसे वार्म एलान फेरोमोन्स टू मार्क फूड रिसोर्सेज एंड दियर लोकेशन एज वेल ऑफ असेंबली प्लेसेस एग्रीगेशन फेरोमोन्स एंड टू अट्रैक्ट सेक्सुअल पार्टनर्स फॉर कोऑपरेशन सेक्सुअल फेरोमोन्स हार्मलेस टू द इन्वायरमेंट. Pheromones may replace conventional insecticides to trap harmful and damaging insects such as bark beetles. So, overall, these explanations which are explained about the terpenes, this is one of the most important type of natural products which are generated in different forms in animals and plants. So a great number of compounds occurring in nature may be formally considered to have originated from isoprene. Formally it was considered the terpenoids are built up of isoprene units joined by head to tail. यानी terpenes का जहाँ से synthesization किया जाता है उसे terpenoids कहा जाता है. जो parent hydrocarbons of terpenes होता है उसे terpenoids कहा जाता है. तो टर्पिनॉइड्स में इसे आइसोप्रीनॉइड्स कहते हैं, चूँकि इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स इन्वॉल्व होता है. आइसोप्रीन यूनिट होता क्या है, 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene ये आइसोप्रीन यूनिट होती है. और ये जो है
हेड टू टेल के थ्रू ये कनेक्टेड रहती है। इसमें स्पेशली देखा जाता है कि दिस रूल इज नोन एज स्पेशल आइसोप्रीन रूल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्पिनॉइड्स आर गिवेन इन द टेबल। सो टर्पिनॉइड्स आर डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट इन द मालिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स टर्पिनॉइड्स आर क्लासिफाइड इन टू मोनोटर्पीन्स, डाईटर्पीन्स, सेस्क्विटर्पीन्स एक्सेट्रा। इस तरह से उनको डिवाइड किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए अबाउट 30,000 टर्पीन्स आर नोन। लगभग 30,000 टर्पीन्स जो है नोन है। एंड एट प्रेजेंट इन द इन दिस लिटरेचर सो देयर बेसिक स्ट्रक्चर फॉलोज ए जनरल प्रिंसिपल। उनका जो बेसिक जो है स्ट्रक्चर होता है वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और वो प्रिंसिपल होता है हमारा 2-methyl-butane रेसिड्यू, लेस प्रिसाइजली बट यूजली आल्सो रिफर टू एज दैट इज कॉल्ड आइसोप्रीन C5N। इसे अगर डिसिग्नेट किया जाए तो C5N से इसे डिसिग्नेट किया जाता है कुछ इस तरह C5N, इसे C5N से डिसिग्नेट करते हैं। एंड बिल्ट अप द कार्बन स्केलेटन ऑफ टर्पीन्स। दिस इज द आइसोप्रीन रूल फाउंड बाई रोजिका एंड वैलेक। रोजिका एंड वैलेक दीज टू कलिग्स विच सर्व दिस आइसोप्रीन यूनिट। देयर फोर टर्पीन्स आर ऑल्सो डिनोटेड एज आइसोप्रीनॉइड्स। टर्पीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रीनॉइड्स। टर्पीन्स को कहा जाता है, इसीलिए इसे टर्पिनॉइड्स कहते हैं। टर्पिनॉइड्स, आइसोप्रीनॉइड्स आर टर्पिनॉइड्स। इन नेचर टर्पीन्स अकर प्रिडोमिनेंटली एज हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल एंड देयर ग्लाइकोसाइड्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नाउ कम ऑन द लिस्ट ऑफ टर्पीन्स एंड नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द हेमी टर्पीन्स, इन विच हेमी टर्पीन्स नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इज 1। दिस हेमी टर्पीन्स दैट वी कैन से दैट दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम C5। हेमी मोनो, जैसे इसको अगर यहाँ लिखा जा सकता है कुछ लिखा जाए तो हेमी टर्पीन्स यहाँ इसको C5 वी कैन डिनोट C5। मोनोटर्पीन्स दैट इज C10 जस्ट लाइक दिस। सेस्क्विटर्पीन्स दैट इज C15। सेस्क्विटर्पीन दिस इज C15, C15। एंड वी कैन से दैट डाईटर्पीन्स दिस इज C20। डाईटर्पीन्स में C20 होता है, C20। एंड नाउ वी कैन से दैट ट्राईटर्पीन्स सच एज ट्राईटर्पीन्स देर इज वन एंड ऑल्सो टर्पीन्स कम दैट इज कॉल्ड सिस्टर टर्पीन्स। सिस्टर CESTR सिस्टर टर्पीन्स दैट कंटेनिंग C25, स्पेशली दैट कंटेनिंग C25 दैट इज कॉल्ड सिस्टर टर्पीन्स। एंड C30 दैट इज ट्राई टर्पीन्स। ट्राई टर्पीन्स मीन्स C30। टेट्रा टर्पीन्स मीन्स C40। एंड यूजली ऑल द पॉलीटर्पीन्स दैट इज डिनोटेड बाई C5N साई कैरोटीन। ऑल ट्रांस पाइलो पॉली आइसोप्रीन दैट इज कॉल्ड गोटा परचा। दिस इज वन टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर। इनिशली दिस ऑल दिस यूनिट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द रबर। दिस इज द मोनोमर फॉर्म ऑफ रबर, यू ऑलरेडी नो दैट इज कॉल्ड नेचुरल रबर। नेचुरल रबर in cis form, but when this isoprene is in trans form then the natural rubber becomes synthetic rubber that is called gutta percha and that is also known as balata. So now one by one I will come on their functions, how the isoprene unit functions.
Isoprene rule led to the belief that isoprene is the precursor of all the terpenoids. Unfortunately, isoprene itself has never been isolated from natural sources. Due to this reason, the isoprene hypothesis was discarded, but this hypothesis indicated that all the terpenoids contain C5 units. इससे ये होता है कि सारे terpenoids जो हैं C5 units से बने होते हैं और इसमें generally जो C5 में जो डबल बॉन्ड होता है जो आइसोप्रीन का, जैसे इसको कुछ इस तरह से लिखा जाए, सी यहाँ पर जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया जाए और इसको इस तरह से कर दिया जाए जस्ट लाइक दिस, और ये यहाँ ऐसे हो, तो जनरली ये देखा जाता है ये पार्ट जो होता है ये हेड होता है और ये पार्ट जो होता है वो टेल होता है। इस तरह C5 यूनिट में हेड होता है और टेल होता है 2-methyl-1,3-butadiene में स्पेशली। और जहाँ मान लीजिए अगर 2-isoprene यूनिट एक साथ जुड़ जाते हैं, 2-isoprene यूनिट एक साथ जुड़ जाएं, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह कि यहाँ भी डबल बॉन्ड हो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, इनिशियली क्या देखा जाता है कि ये पार्ट जो होता है ये टेल हो जाता है और ये पार्ट जो होता है इसका वो हेड होता है, इस तरह जहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच्ड होता है। तो इसी तरह से ये हेड और टेल का फॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर देखते हैं कि आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट, दिस इज वन टाइप ऑफ टर्पेनॉइड दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टार्टिंग, दिस इज द वन टाइप ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल which is used in all types of terpenoid compounds. So isopentyl pyrophosphate is known as activated isoprene or biogenetic isoprene. So isopentyl pyrophosphate, that is also known as IPP, is derived from acetyl coenzyme acetic acid, acetyl coenzyme, that is the acetic acid first converts into acetyl S coenzyme. That is the active acetate. The two molecules of active acetate undergo aldol type of condensation. I have already told you that the generally जो biosynthesis में होता है इसमें दो तरह के reactions involve होते हैं, primary route होता है एक secondary route होता है। तो primary route में generally aldol condensation और Michael Edison reactions involve होते हैं, secondary में जो होता है इसमें alkylation, oxidation और reductions होता है। ये दो रूट बायोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर देखिए एस्टिक एसिड का जो है एस्टिल सल्फर को एंजाइम से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन होता है और एक्टिव एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। फिर आफ्टर दिस एक्टिव एसीटेट टू मालिक्यूल्स में यहाँ आप देख सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन पता होगा तभी आप इसको दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर देखिए एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, इसमें कंडेंसेशन होता है कार्बोनिल ग्रुप का यानी कार्बोनिल कंपाउंड का, स्पेशली दिस इज एल्डिहाइड आर्किटोन्स एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। सो द टू मालिक्यूल्स ऑफ एक्टिव एसीटेट अंडरगोज दिस कंडेंसेशन एंड फाइनली फॉर्म एस्टिल कोएंजाइम। हियर यू सी दैट एस्टिल एसिटो एस्टिल एस कोएंजाइम एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम थायोलेज, वेयर द एंजाइम थायोलेज एंड दिस इज द आईपीपी व्हिच इज द, एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है जो फॉर्मेशन में भाग लेता है टर्पेनॉइड्स के। इन दिस वे देन देयर इज द फर्दर क्लाइजन एस्टर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड फाइनली एस्टो एस्टिल कोएंजाइम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हियर यू सी दैट देन दिस द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एस्टिल एस कोएंजाइम एड्स टू द कार्बोनिल ग्रुप एट पोजीशन 3 ऑफ एस्टो एस्टिल एस कोएंजाइम टू फॉर्म 3-hydroxy-3-methyl ग्लूटेरिल एस को एंजाइम ए। हियर यू सी दैट
and all the processes are taking place through aldol type condensation between enol and ketone, and after enantioselective hydrolysis, then there is formation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl as coenzyme takes place. What happened further? This 3-hydroxy-3-methylglutaryl S coenzyme is then reduced to mevalonic acid in the presence of NADPH. NADPH, this is one type of, you can say that, this, here you see that there is the reactions are shown below. 3-hydroxy-3-methylglutaryl S coenzyme undergoes in the presence of enzyme reductase, there is formation of mevalidic acid. यहाँ एस्टिल कोएंजाइम एस जहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टिल कोएंजाइम यहाँ से लिबरेट हो जाता है, एक तरह से यहाँ से आउट हो जाता है और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। पुनः से रिडक्टेज के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इंटू एल्कोहल, तो एक तरह से फुली यहाँ पर रिडक्शन हो जा रहा है इसका, कि ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में एल्डिहाइड जो है हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसे आर मेवलोनिक एसिड कहते हैं, और ये जो है इंटर कन्वर्ट हो जाता है मेवलोनक्टोन में, मेवलैक्टोन का ये फॉर्मेशन करता है, ये टू आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सो मेवलोनिक एसिड इज एन इफिशियंट प्रिकर्सर ऑफ टर्पेनॉइड एंड स्टेरॉइड्स। द फॉलोइंग फैक्ट सपोर्ट दैट मेवलोनिक एसिड इज ए प्रिकर्सर ऑफ टर्पेनॉइड एंड स्टेरॉइड बोथ। आई विल एक्सप्लेन अबाउट द स्टेरॉइड इन डिटेल फर्दर। So what is the main characteristics are of this mevalonic acid? One is the all isolated mevalonic acid from those plants which contains terpenoids. Yes, when synthetic R mevalonic acid leveled with C14 is injected into the plants, the isolated alpha pinene is found to be incorporated by C14. Then there is a synthesization of alpha pinene. I stated earlier that isopentyl pyrophosphate is the real precursor of terpenoids. It has 5 carbon atoms. Mevalonic acid is a precursor which has C6 carbons. Therefore, mevalonic acid is the precursor of isopentyl pyrophosphate. Yani ek tarah se dekha jaye ki jo mevalonic acid hai, ye isopentyl pyrophosphate का प्रिकर्सर्स होता है, और जो टर्पेनॉइड का प्रिकर्सर्स मेन होता है वो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट होता है। तो देयरफॉर मेलोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ दिस। सो मेलोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ एक्टिवेटेड आइसोप्रीन। इट मस्ट लॉस वन कार्बन एटम ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ मेलोनिक एसिड इंटू एक्टिवेटेड आइसोप्रीन बाय द यूज ऑफ लॉवेल मेलोनिक एसिड, दैट इज 2C14. So in the further we can see about the reactions of malonic acid is phosphorylated in at the primary alcoholic group to form malonic acid monophosphate. This monophosphate is then converted into malonic acid pyrophosphates. Isopentyl pyrophosphate is obtained from malonic acid pyrophosphate by decarboxylation and dehydration. The reactions are shown here. Here you can see that this is the first malonic acid which is phosphorylated into the primary alcoholic group. Here you see that primary alcoholic group OPP, iska primary alcoholic group yahan par jo hai alcoholic group aap dekh sakte hain, yahan par jo hai pyrophosphate में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दिस अगेन अंडर एलिमिनेशंस आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट इज ऑब्टेंड। सो ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस, दिस इज द टू बायोलॉजिकल आइसोप्रीन यूनिट, यही HBHAOPP जो है आइसोपेंटाइल फॉस्फेट IPP यहाँ शो करा, यही जो है हमारा ट्रू बायोलॉजिकल आइसोप्रीन यूनिट होता है, और यही डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स के फॉर्मेशन में ये प्रिकर्सर्स का काम करता है।
तो एक तरह से देखा जाए कि पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट की इसका किस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आइसोमेरेज के प्रेजेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कन्वर्टेड इनटू डाइम मेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट DMPP में ये कन्वर्ट हो जाए। दिस सिंथेसिस ऑफ टर्पिन्स टेक्स प्लेस बाई द कंडेंसेशन ऑफ सेवरल मालिक्यूल्स ऑफ आइसोपेंटिल फॉस्फो पायरोफॉस्फेट्स डाईमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट सर्व एज ए स्टार्टर मालिक्यूल फॉर दिस पॉलीमराइजेशन, यानी एक हमारा प्रिकर्सर्स होता है आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट, और ये फिर जब आइसोमेराइज हो जाता है सिंपली किसमें डाईमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट में, अब ये स्टार्टर का काम करता है पॉलीमराइजेशन के केस में। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये एक मोनोमर होता है, आफ्टर दैट देयर इज़ द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ टर्पिनाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ DMPP देन सर्व एज एन एक्सेप्टर फॉर वन मालिक्यूल ऑफ IPP। द कंडेंसेशन बिटवीन IPP एंड DMPP में बी कंसिडर्ड एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई CH2 ग्रुप ऑफ DMPP। तो एक तरह से एक ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसे हम को पॉलीमर कहते हैं। तो को पॉलीमर में जो मोनोमर यूनिट होता है वो दो डिफरेंट होता है, तो एक हमारा हो जाता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट होता है, दूसरा जो हमारा होता है डाई मिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट DMPP होता है। तो दोनों के बीच में कंडेंसेशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, और इस तरह से दोनों के बीच यूनियन हो जाता है हेड एंड टेल के बीच। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देयर इज़ द यूनियन ऑफ हेड एंड टेल, एक DMPP यहाँ पर है और एक IPP यहाँ पर है, यहाँ इनके बीच में इस डबल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन यहाँ देख सकते हैं ये एलिमिनेट होता है और डबल बॉन्ड अटैक करता है इस आर्थोफॉस्फेट के ऊपर समवॉट लाइक दिस ईयर, यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ट्रांस पायरोफॉस्फेट का, जिसको हम जिरेनिल पायरोफॉस्फेट कहते हैं, का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये आइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है टू आइसोमेरिक फॉर्म में सीस और ट्रांस, जिसे हम नेरिल पायरोफॉस्फेट NPP या जिरेनिल पायरोफॉस्फेट GPP कहते हैं। तो इसमें जो हमारा IPP है वो DMPP से वो कंडेंस्ड हो जाता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आफ्टर दैट द कंडेंसेशन बिटवीन IPP एंड DMPP लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस GPP हैज ट्रांसजिमेट्री एंड द रिजल्टिंग मोनोटर्पिन GPP देन कंडेंस्ड विथ IPP बाई ए सिमिलर मैकेनिज्म टू फॉर्म फेरेंसिल पायरोफॉस्फेट FPP एंड देन दिस FPP देन कंडेंस्ड विथ IPP टू फॉर्म जिरेनिल जिरेनिल पायरोफॉस्फेट GGPP, एंड इन दिस वे दी सिंथेसाइजेशन इस फर्दर गोज ऑन। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस देन, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉरेंसिल पायरोफॉस्फेट, हियर यू कैन सी दैट। और इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये हमारा GPP जो है जो ट्रांसफॉर्म में होता है वो फिर एक IPP से रिएक्ट करता है और फिर FPP का फॉर्मेशन करता है, फिर FPP जो है IPP से इंटरैक्ट करता है यानी कंडेंस्ड होता है तो GGPP का फॉर्मेशन होता है। हियर यू कैन सी दैट देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ FPP एंड दिस इज सिस FPP विच इज़ अगेन कन्वर्टेड इन टू बाई द एक्शन ऑफ IPP टू फॉर्म GGPP, यहाँ पर GGPP का फॉर्मेशन होता है। हियर यू सी दैट दिस इज़ द GGPP। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे टर्पिनॉइड फॉर्मेशन में आइसोप्रीन रूल जो है वो लागू होता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है हमारा आपका IPP और DMPP। और ये IPP और DMPP के थ्रू पॉलीमराइजेशन होता है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ GPP एंड दिस इज आइसोमेराइज इन टू NPP एंड दिस GPP एंड अगेन कन्वर्टेड इन टू FPP एंड इन दिस वे देर इज फॉर्मेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ टर्पिनाइड्स। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बायोसिंथेसिस ऑफ मोनोटर्पिन्स स्टार्ट करेंगे,
किस तरह से मोनोटर्पिन्स का सिंथेसाइजेशन किया जाता है।